नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं बी एस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं, मैं ये 6 वायर का ऑटो स्विच लगाने जा रहा हूं। ये 3 बटन का स्टार्टर है जो कि बेंटेक्स का है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 ब्लैक वायर हैं, एक ब्लू है, एक ग्रीन, रेड और येल्लो भी है, ठीक है। तो 2 ग्रीन और रेड येल्लो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लगेगा, आप एक बार थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लीजिए और मैं डायग्राम के द्वारा भी आपको यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों इसमें 2 ब्लैक वायर और 1 ब्लू वायर है जो हमारा RYB यानी कि जो 3 फेज की जो लाइन होती है उसमें लगता है, और 1 ग्रीन वायर, रेड और येलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1 ग्रीन वायर है जो आपका जो डेल्टा यानी येलो बटन का है, जो राइट टर्मिनल है उसको खोल के लगता है, और येलो इसके अंदर में ही जो खुला हुआ वायर है उस पर लगेगा, ठीक है। और जो रेड वायर है उसको हम यानी कि रेड स्विच के राइट टर्मिनल पे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और उसके जो खुला हुआ तार पे हम टेपिंग कर देते हैं। तो इसका आपको एक बार डायग्राम भी समझा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके, उसके बाद में थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिकली भी समझा दूंगा और चला के भी दिखाऊंगा सारा कुछ डिटेल में। तो एक बार आप डायग्राम समझ लीजिए ताकि आपको बेहतरीन समझ में आ सके और एक बार में ही आपको इसका कनेक्शन अच्छे से कर सके, ठीक है। तो मैं देखिए दोस्तों, ये मेरे पास में ऑटो स्विच है। इस ऑटो स्विच में दोस्तों ये है बाईपास का मोड, यानी कि स्विच है बाईपास मोड, ऑटो मोड, ठीक है। यदि हम जब बाईपास मोड पे मोटर को रखेंगे यानी कि ऑटो स्विच को रखेंगे बाईपास मोड पे, तो हमारी मोटर मैनुअली चलेगी, ठीक है, ठीक है, मैनुअली चलेगी यानी कि जो हमारा स्विच है उसी से चलेगी। और जब ऑटो पे कर देंगे दोस्तों, उस कंडीशन में हमें मैनुअली चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ऑटो स्विच काम ही ले जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब हमारा ये ऑटो स्विच होता है दोस्तों, इसमें 6 वायर है, ठीक है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, ठीक है, यानी कि 6 वायर हो गए, 6 वायर हो गए। तो दोस्तों अब ये आपका 3 स्विच का स्टार्टर है, ठीक है, ग्रीन, येलो और रेड, ठीक है, ये आपके कॉन्टेक्टर हो गए, ठीक है। और कॉन्टेक्टर में दोस्तों जो पत्तियां लिखी होती है यानी कि L1, L2, L3 जो आपकी ट्रांसफार्मर से जो लाइन आती है वो है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये है आपकी A2, B2, C2, A1, B1, C1 जहाँ पे आपका मोटर का कनेक्शन होता है, ठीक है। काफी मोटर ऐसी होती है जो जिसमें सिंगल वायर ही आता है, ठीक है, यानी कि उसमें भी हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं। एक्चुअली वो अधिकतर दो स्विच में होता है, ठीक है, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसी का समझें। अगर उसका भी समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, ठीक है। तो इसमें आपका कनेक्शन किस प्रकार से करना है, ठीक है, 2 ब्लैक वायर, दोनों ब्लैक वायरों को दोस्तों इस L1 और L2 पे लेना है, ठीक है, 2 ब्लैक वायरों को यहां पे और दूसरा यहां पे, ठीक है। इस कंडीशन में दोस्तों तीसरा जो ब्लू वायर है वो आपको लेना है L3 पे, ठीक है, L3 पे तीसरा ब्लू वायर लेना है पहली बार। अब यदि आपका इस कंडीशन में दोस्तों लाइन फॉल्ट बोलता है तो आप ब्लू जो ब्लैक वायर दोनों इसको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि ये वाला वायर यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे लगा देना, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों मेन लाइन का काम। अब बात करते हैं ये 3 वायर यानी कि RYG, ग्रीन येलो और रेड, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों हमारा रेड का स्विच, ठीक है, और ये डेल्टा यानी कि येलो वाला स्विच और ये ग्रीन स्विच, ठीक है। ग्रीन पे इसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें देखिए क्या होता है। तो हमारा जो रेड का स्विच है इसमें दोस्तों L1, L2, L3 यानी कि L3 और L1 में से एक वायर आपका जाता है यहाँ पे, ठीक है, वो वायर आपको देना है खोल। ये वायर खोल के दोस्तों यहाँ इसमें आप टेप भी कर सकते हैं, ठीक है, और टेप नहीं करना चाहते हैं तो काफ़ी जगह क्या होता है कि जो हमारा ब्लू वायर है इसको यहाँ पर ऐड कर देते, क्योंकि ये L3 से होता है इस प्रकार से, ठीक है, बचा हो जाए ये टर्मिनल बच गया खाली, इसमें आपको यानी कि R वायर जोड़ देना, ठीक है, R वायर जोड़ देना यहाँ पे R वाला, ठीक। अब दोस्तों ये वाला सिस्टम आपको बता देता हूँ। इस ये वाला सिस्टम में दोस्तों इस प्रकार से कुछ वायर लूप बने होते हैं, ठीक है, और एक लूप दोस्तों यहाँ से बना होता है, ठीक है। ये लूप वाला फंक्शन आपको समझना नहीं है क्योंकि यहाँ से लूप का तरीका अलग हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको मैं सीधा तरीका बता देता हूँ। तो सीधा तरीका में क्या करना है दोस्तों, जो ये वायर आपका, ठीक है, इस साइड का वायर से एक कॉन्टेक्टर से यानी कि ये वाला कॉन्टेक्टर हो सकता है, ये वाला हो सकता है, यहाँ हो सकता है, किसी भी एक कॉन्टेक्टर से
आपका एक वार आता होगा यहाँ पर, ठीक है। वो वार आपका कोई सा भी कलर का हो सकता है, उस वार को आपको यहाँ से खोल देना, ठीक है। ये वार खोल देना है, और ये वार खोलने के बाद में ये वार बच गया दोस्तों खाली, और इस खाली पॉइंट पे आपको दे देना है आपका जी वाला पॉइंट, जी यानी कि ग्रीन, ठीक है। और जो खोला हुआ पॉइंट यानी कि ये वार बचा हुआ आपका, इस पे दे देना आपको वाई, ठीक है। ठीक है, अब आप इसका थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल भी समझ लीजिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, यानी कि दोस्तों ग्रीन स्विच पे कोई फंक्शन नहीं है, येलो वाले पे दोस्तों ये टर्मिनल खोलने के बाद में यहाँ पे ग्रीन, और जो खोला हुआ पे येलो, और ये रेड वाले पे जो खोला है उस पे रेड देना है, और बाकी को उस पे टेपिंग कर देना है, तीन वार यहाँ पे दे देना है। उस टाइम आपकी मोटर जो फॉल्ट बोलती है तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेना है, ठीक है। और आपकी जब फॉल्ट नहीं बोलेगी तो दोस्तों ये डिले वाली बत्ती है ये ऑन हो जाएगी, ठीक है, ये ऑन हो जाएगी। और जब आपकी मोटर रनिंग करेगी यानी कि मोटर चालू हो जाएगी तो आपका जो पंप ऑन है ये इंडिकेटर ग्लो करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऑटो स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिकली भी जरूर देखें। यहाँ पे अपना डिले ऑन हो चुका है, और कुछ समय बाद यहाँ पे हमारा जो पंप है वो भी ऑन हो जाएगा। तो आप इस तरह से कनेक्शन करके आप भी ऐसा ऑटो स्विच लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट पे मुझे बताएं, ठीक है। तो देखिए मेरा पंप ऑन हो चुका है, मोटर अच्छे से चल रही है, सेकेंड यानी डेल्टा में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।